हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछला सप्ताह आप सभी राशि के जातकों के लिए अच्छा रहा होगा। आपने मेरे बताए हुए उपायों को फॉलो किया होगा। कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, चाहे कितने भी उपाय कर लें, जो कर्माज हैं वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जो ग्रहों की गति है वो लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट फिर भी जो हमारे ये उपाय मैं बताता हूँ, यदि आप ये उपाय रेगुलरली करते हैं तो इससे जो मैलेफिक इम्पैक्ट हैं प्लैनेट्स के, वो धीरे धीरे शेडो डाउन हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं और आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। बात करते हैं आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा और क्या उपाय इस सप्ताह डिफरेंट राशि के जातकों को करने चाहिए जिससे आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित हो। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के स्वामी शुक्र, शुभ रत्न है हीरा, शुभ रुद्राक्ष है छहमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। इस सप्ताह भाग्य इस राशि के जातकों के साथ है। प्रतिभा को योग्य मार्गदर्शन मिलेगा, मनोबल आपका उच्च रहेगा, लाभ के योग बनते हैं, साधनों को जुटाने की क्षमताएं आपकी बढ़ेंगी, कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के भी प्रबल आसार हैं। छात्रों को इस सप्ताह मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए समय अनुकूल है। कैरियर को नई दिशा मिल सकती है। पारिवारिक सदस्य उनकी समस्याओं के लिए आपके ऊपर निर्भर रहेंगे। किसी से आपकी घर में अनबन हो सकती है, इसलिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। लव लाइफ रोमांस से भरपूर होगी। सेहत के मामले में सप्ताह सामान्य रहेगा। आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी, परंतु पिताजी की सेहत कुछ कमजोर रह सकती है, अतः उनकी सेहत का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो देखा जाए सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं जानते हैं कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए कि माता का आशीर्वाद, किसी भी इंपॉर्टेंट कार्य को करने से पहले माता का आशीर्वाद जरूर लेके जाएं। माता को खीर का भोग लगाना लाभदायक रहेगा। काले रंग की गाय की सेवा करना, दही से स्नान करना शुभकारी होगा। गले के अंदर अनंत मूल की जड़ को धारण करें। मंगलवार के दिन रक्तदान करें। मंगलवार के दिन बगीचे में या मंदिर परिसर में अनार का पौधा लगाएं। प्रत्येक गुरुवार को पीपल के पेड़ को बिना छुए जल अर्पण करें। काले रंग की चींटियों को रोजाना चीनी खिलाएं। कुष्ठ रोगों की सेवा करनी आपके लिए अच्छा रहेगा। शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी देना। सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करना। यदि ये उपाय इस राशि के जातक करते तो आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। जैसा कि ये उपाय, बहुत सारे उपाय हैं, हर एक राशि के डिफरेंट डिफरेंट उपाय हैं, सारे उपाय हो सकता है आप ना कर पाएं, बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको हमेशा जहन में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि जो भी ज़रूरतमंद है आप उनकी जब भी पॉसिबल हो सके अपनी जेब से और अपने हाथों से उनकी सेवा करें। अपनी इनकम का अगर आप 1/10 गरीबों को और ज़रूरतमंदों को दान देते हैं तो उससे आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, आपकी इनकम में वृद्धि होती है। आपको चाहिए कि झूठ बोलने से परहेज करना है, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ना है, मांस मदिरा से जब भी पॉसिबल हो सके परहेज करें, सात्विक बने, दूसरों को भी सात्विक बनने के लिए आप प्रेरित करें, जब भी पॉसिबल हो सके वृद्धों की आप या घर में माता पिता हैं तो उनकी अपने हाथों से सेवा करें। यदि इतना भी सब आप शुरू करते हैं तो ज़िंदगी के अंदर दुख तो आएंगे, सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है। यदि ये चीज़ें आप अपने जहन में बांध लें कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, जिस तरह से दुख आता है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आएगा, तो जैसे जैसे डिफरेंट प्लैनेट्स के कंजंक्शन से जो नेगेटिव और मैलेफिक इम्पैक्ट आते हैं बट उनके कारण उत्पन्न हुए दुख आपको पहचान नहीं कर पाएंगे, यही एक जीवन का सार है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आने वाला सप्ताह आप सभी राशि के सभी जातकों के लिए शुभकारी रहे। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। महाशिवरात्रि का व्रत और महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है आपके लिए घर में और जीवन में खुशियां लेके आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।